फ्रेंड्स नमस्कार मैसेल्फ डॉक्टर मेधा अनिल कुलकर्णी प्रैक्टिसिंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट आई एम रनिंग अंकुर मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम सिंस 35 इयर्स एट औरंगाबाद महाराष्ट्र आई लव गार्डनिंग डांसिंग एंड रीडिंग आई हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन बिल्डिंग अप द सॉइल फोर्ट्स दैट इज मातीचे किल्ले ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली फेस्टिवल मेनी मेनी थैंक्स टू यूएसपी पीपल for giving me the opportunity to upload an recipe video. कहते हैं दिल तक पहुँचने का मार्ग पेट से निकलता है इसी बहाने यूएसवी टीम ने हमारा दिल जीत लिया है चलिए अब हम रेसिपी देखेंगे ब्रेड सैंडविचेस ज़रा हटके हेलो फ्रेंड्स आज हम जो रेसिपी देखने वाले हैं वो है ब्रेड सैंडविचेस जरा हटके इसके लिए अपने को जो सामग्री लग रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले करे वाली है जो रॉ मटेरियल है जो कटे वाला चाहिए ये सब ये ट्रे में रखे वाले हैं अभी हम रेसिपी शुरू करेंगे अपने को जो चीज़ें लगने वाली है उसमें ये चीज़ें है एक कटोरी कटे वाली प्याज है पाव कटोरी टमाटर है एक आधा कटोरी ग्रेटेड कोकोनट है उसके बाद में बटर लिए वाला है फिर ये हरा धनिया काट के लिए वाला है इसके बाद में ये जो रेड चिली पाउडर है दो चम्मच लिए वाली है धनिया ये धनिया पाउडर है डेढ़ चम्मच जीरा पाउडर डेढ़ चम्मच एक चम्मच चीनी है और स्वादानुसार ये सॉल्ट नमक लिए वाला है ये चार ब्रेड के स्लाइसेस लिए वाले हैं मैंने ये वाइट ब्रेड लिए वाले हैं जिसको पसंद है वो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं इसके बाद में एक वन बाय वन एक के बाद एक हम ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे इसका मिक्सचर बनाएंगे ये रेसिपी बनाने के लिए अपने को गैस नहीं लगता है ये जो रेसिपी है तो ये शुरू करेंगे ये मिक्स करने को सबसे पहले हम ओनियन ये कटा वाला प्याज बाउल में ले लेंगे इसके बाद में हम ये कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे इसमें इसके बाद में टमाटर डालेंगे आपको मालूम है टमाटर ये सुपर फूड कहलाया जाता है अपने खाने में रोज़ एक टमाटर लेना चाहिए ऐसा डाइटिशियन बोलते हैं इसमें भारी मात्रा में अपने को लाइकोपेन मिलता है और विटामिन सी बाकी सब इंग्रेडिएंट मिलते हैं कोकोनट भी ऐसे ही न्यूट्रिशियस है उसमें अपने को भारी मात्रा में पोटेशियम मिलता है फाइबर मिलता है विटामिन सी बाकी न्यूट्रिएंट भी अच्छे से है ये जो ग्रीन कोरिएंडर लीफ है इसमें अपने को अच्छे से हीमोग्लोबिन आयन मिलता है फाइबर भी मिलता है ये मिक्स करेंगे हम अभी लॉकडाउन होने की वजह से हमको ज़रा फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिले फिर भी हम ऐसे ही काम चला लेंगे इसके बाद में हम इसको इसमें सब बाकी चीज़ें डाल देंगे ये रेड चिली पाउडर है ये जीरा पाउडर है धनिया पाउडर है ये शुगर है एक चम्मच इसके बाद में टेस्ट के अनुसार ये नमक डालेंगे थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा नमक लगता है क्योंकि तो हम इसको सैंडविच में इसमें स्टफ करते हैं ब्रेड में इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा तेज़ और नमकीन बनाया है इसको ये सब चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे ये जब मिक्स करना हम शुरू करते हैं जब भी वो जो अपने पास सैंडविच मेकर रहता है ना इसको हम पावर ऑन कर देते हैं इसको शुरुआत कर देते हैं हीट करने को ये प्री हीटेड रहा तो अपने सैंडविचेस भी जल्दी जल्दी बन जाते हैं ये जो रेसिपी है इस ये मुझे बहुत पसंद आती है हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद आती है और ये बहुत जल्दी बनती है
घर में ये सब चीज़ें वेजिटेबल्स हमेशा अपने घर में रेडी रहते हैं, इसलिए कोई अलग से हट के प्लानिंग नहीं करना पड़ता अपने को। इसको ये मिक्सचर को हम बाजू रख देंगे और ब्रेड को बटर लगाना शुरू कर देंगे। ये जो बटर लगाना है, बटर ले रहे हैं तो जिन जो कैलोरी कॉन्शियस लोग है, वेट कॉन्शियस लोग है, तो ये जो सॉल्टेड बटर है इसके बजाय वो लोग पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो और जो कैलोरी कॉन्शियस नहीं है वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं ये बटर। मुझे तो ये बटर बहुत अच्छा लगता है। ये जो मिक्सचर बना के तैयार है, ये इसको हम प्रोटीन रिच बनाने के लिए ये बटर को हम इसमें मूंगफली की पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसी टेस्ट पसंद आती है इसलिए मैं मूंगफली की पाउडर नहीं डालती हूँ, बोले तो दाने से कुट जो बोलते हैं अपन, ये डाले तो और ये और न्यूट्रिशियस बन जाते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी ऐड हो जाते हैं। ये जो बटर मैं लगा रही हूँ तो ये आपके स्वादानुसार आप लगा सकते हैं, ज़्यादा कम जैसे होना वैसे। इसमें हम ये मिक्सचर स्टफ कर देंगे, ये 10-15 मिनट आप रख सकते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं, एक तरफ से भी लगा सकते हैं, दोनों ब्रेड के स्लाइस को लगा सकते हैं आपको अच्छा लगा, नहीं तो एक ही ब्रेड को लगाया और उसके ऊपर दूसरा बटर वाला ब्रेड लगा दिए तो भी काम चल जाता है। ये जो मिक्सचर बने वाला है ना अपना, तो ये समझो सैंडविच बनाने के बाद बच गया है, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप कोशिमीर जो बोलते हैं इसमें दही डालो, नहीं तो ऐसे भी इसकी कोशिमीर बोलते हैं अपन जो सैलड बोलते हैं वैसा खा सकते हैं, नहीं तो इसको आप इसका आप टोमेटो ऑमलेट भी बना सकते हैं। समझो आपके पास लाइट्स कभी ऑफ हो गए तो इसको आप लोग पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन जब नॉनस्टिक पैन में इसको बनाते हैं ना आप लोग, तो इसको थोड़ा प्रेशर देना ज़रूरी है ऊपर से, तो ये प्री हीटेड रहने की वजह से एक मैक्सिमम ये 5 मिनट में बन जाएगा। चलिए अभी ये सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, मैं बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही थी। ये सैंडविचेस 4-5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट सैंडविच को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन नेक्स्ट सैंडविच जो है, नेक्स्ट बैच है, वो जल्दी हो जाती है अपनी 2-3 मिनट तक। इसको हम सर्व करेंगे अभी। अभी जो सैंडविचेस आप हम देखे हैं, अभी जो प्रपोर्शन लिए वाला था इसमें करीब करीब 4-5 सैंडविचेस बन जाते हैं। आपको ज़्यादा सैंडविचेस बनाने के होंगे तो ये सब प्रपोर्शन आप डबल ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अभी ये सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, नाउ वी विल एंजॉय द सैंडविचेस। फ्रेंड्स नाउ एंजॉय द ब्रेड सैंडविचेस। मैं फिर एक बार यूएसपी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है ये रेसिपी बताने के लिए।